सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज हम अपना हिंदी ग्रामर का जो चैप्टर 11 है, क्रिया विशेषण, वो पढ़ रहे थे। हम इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा था क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, आज हम उसके क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 57 पर, क्वेश्चन नंबर 1, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, का उत्तर है फर्स्ट का कै, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते, हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के मैंने बताया थे आपको कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। नंबर एक रीतिवाचक, नंबर दो परिमाणवाचक, नंबर तीन कालवाचक, और नंबर चार स्थान। नंबर एक रीतिवाचक, नंबर दो परिमाणवाचक, नंबर तीन कालवाचक, और नंबर चार स्थानवाचक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। परिमाणवाचक जो क्रिया विशेषण शब्द परिमाण माने क्या होता है, नाप तौल यानी मात्रा, शब्द क्रिया की मात्रा प्रकट करते हैं। उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के पांच उदाहरण लिखने हैं। स्थानवाचक के मैंने बताए थे आपको, जैसे यहां, वहां, जगह का स्थान का बोध हो रहा है, आगे पीछे चारों ओर, ये पांच हो गए हमारे। ठीक है, यहां वहां आगे पीछे चारों ओर, है ना, ये स्थान का बोध कराते हैं, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उनके उदाहरण है यहां वहां
आगे पीछे चारों ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 58 पर। सेकंड क्वेश्चन, दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जैसे क्रिया विशेषण के भेद होते हैं, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4, 2 या 7। क्रिया विशेषण के मैंने बताए थे आपको 4 भेद होते हैं, ठीक है। इस पर 4 पर टिक लगाना है, फर्स्ट वाला सही है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी शब्द कौन सा क्रिया विशेषण है, जो कभी कभी, कभी कभी यानी ये समय का बोध करा रहा है, कभी कभी, है ना, तो ये कौन सा होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। कठिनाई से, कठिनाई से शब्द कौन सा क्रिया विशेषण है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण पर फर्स्ट पर टिक लगाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया विशेषण शब्दों को पहचान कर रिक्त स्थानों में लिखिए, ठीक है। जैसे घोड़ा सरपट दौड़ता है, इसमें जो सरपट शब्द है वो क्रिया विशेषण है, ठीक है। कैसे दौड़ता है, क्रिया की विशेषता क्या है कि वो सरपट दौड़ता है, घोड़ा सरपट दौड़ता है, इसमें जो दौड़ सरपट है वो है क्रिया विशेषण, यानी दौड़ना जो क्रिया है उसकी विशेषता बताई जा रही है। इसी तरह से हम जो कह है थर्ड का, उसमें हम क्रिया विशेषण जो है वो ढूंढेंगे। बच्चा बहुत रोता है, रोना क्रिया हो रही है, उसकी विशेषता क्या है, कैसे रो रहा है बच्चा, हम क्वेश्चन करके देख लेंगे कि क्रिया विशेषण इसमें क्या है, बच्चा कैसे रोता है, बहुत रो रहा है, कितना रो रहा है, मतलब कितना, क्वेश्चन करें कितना रोता है, बहुत, तो इसमें क्रिया विशेषण क्या होगी, बहुत। अक्षय है, वह धीरे धीरे लिखता है, वह कैसे लिखता है, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्या होगी, क्रिया विशेषण, धीरे धीरे। गय है, तुम इधर उधर देखते हो, किधर देखते हो, कहां देखते हो, है ना, इधर उधर, इधर उधर, इधर उधर। राजीव मुझसे अधिक खाता है, कितना खाता है, अधिक, इसमें अधिक है क्रिया विशेषण। मैं अरविंद से कम खाता हूं, कम खाता हूं, इसमें कितना खाता हूं, कम। चय है, पंखा धीरे धीरे चल रहा है, कैसे चल रहा है पंखा, धीरे धीरे, है। तुम अभी अभी आए हो, अभी अभी, है ना, इसमें जो क्रिया विशेषण होगा अभी अभी। नेक्स्ट है बिजली अकस्मात चली गई, अकस्मात, इसमें समय का दिया गया है, कब चली गई, अकस्मात चली गई। यानी अचानक से चली गई, प्रातः जल्दी उठा करो, कब उठा करो, जल्दी। हम क्वेश्चन कर देख लेते हैं, है ना, उससे हमें पता लग जाएगा कि क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, बॉक्स में से सही क्रिया विशेषण शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। ऊपर जो हेल्प बॉक्स दिया गया है उसमें से सही क्रिया विशेषण शब्द आपको लिखने हैं। ट्रेन, फिल इन द ब्लैंक्स, रुक गई, कब रुक गई, फोर्थ क्वेश्चन है, अचानक रुक गई, ठीक है, ऊपर लिखे हुए हैं उनमें से आपको देखकर लिखना है, है ना। वह देखने लगी, वह फिलिंदा ब्लैंक्स देखने लगी, यानी इधर उधर देखने लगी।
इधर उधर इधर उधर देखने लगे। नेक्स्ट है मैं फ्रिंदा ब्लैंक्स बैठूंगा, मैं यहां बैठूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिब्बे में फ्रिंदा ब्लैंक्स स्थान है, डिब्बे में पर्याप्त स्थान है। नेक्स्ट है वह फ्रिंदा ब्लैंक्स बात करता है, वह बहुत बात करता है, बहुत बात करता है। तो ये आज हमारा ये जो क्रिया विशेषण है वो कंप्लीट हो गया। हमने क्वेश्चन आंसर किए और जो बुक एक्सरसाइज है वो किए। आप भी अपनी बुक में सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में फिल करेंगे।